प्लेस ऑफ इंसिडेंस पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो तीन लोग थे, उसमें से दो पकड़े गए और एक फरार है, उसका सर्च शुरू है। लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश, दो आरोपियों की तलाश। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। सर कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा, कौन कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है, और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई। पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है, हर एक एंगल से हम इस पे इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं।